सब्सक्राइब कीजिए टेक्नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप सब तो डेटा या यूएसबी केबल यूज करते ही होंगे, जिसके जरिए आप बड़े से बड़ा डाटा पल भर में अपने मोबाइल से लैपटॉप और लैपटॉप से हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये काम कैसे करते हैं? दोस्तों आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं टेक्नंदन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों डेटा केबल की बात करें तो दूसरे शब्दों में हम इसे यूएसबी केबल भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों इसी के साथ हमने इसे दो भागों में बांटा है, जिसमें से एक है चार्जिंग का और दूसरा होता है डेटा ट्रांसफर का। तो अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। दोस्तों इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें चार वायर्स होते हैं, जो कि हैं रेड, ग्रीन, वाइट और ब्लैक। दोस्तों इसी के साथ जब चार्जिंग को देखा जाए तब इसमें रेड और ब्लैक वायर्स काम आते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का काम करके आपके डिवाइस को चार्ज करते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम डेटा ट्रांसफर की ओर। दोस्तों डेटा ट्रांसफर में जो वायर्स काम आते हैं वो हैं ग्रीन और वाइट। यहाँ ग्रीन का सिग्नल से डेटा प्लस और वाइट का सिग्नल से डेटा माइनस। दोस्तों जब हम किसी पोर्टेबल ड्राइव को पीसी से कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर पर लगाते हैं, तब जो ग्रीन वायर होगा वो पीसी से सिग्नल लेगा और पोर्टेबल ड्राइव में पहुँचाएगा, और जो वाइट वायर होगा वो उस टाइम अपोज साइड वर्क करेगा, जो नॉइस जैसी समस्याओं को दूर करते हुए सिग्नल को मजबूत बनाएगा। दोस्तों मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा यूएसबी क्या है, कैसे काम करती है, इसके जरिए डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।